राधे राधे सभी भक्तजनों को। आज हम बात करते हैं मलमास के बारे में। मलमास को हम अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष यह 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। यह हर तीसरे वर्ष में आता है। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं इसको अपना नाम दिया है और इसे हम मलमास भी कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसे मलमास क्यों कहते हैं। एक बार हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमृत का वरदान देने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इसकी जगह कुछ और वरदान मांग लीजिए। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। इस तरीके से उसने कुछ वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किए, जिससे ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि इसने एक रूप से देखा जाए तो अमृत का ही वरदान मांग लिया। तब भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और इस समस्या को बताया। भगवान विष्णु ने इस समस्या का हल ये निकाला कि उन्होंने एक अधिक मास का निर्माण कर दिया, जो 13वां महीना कहा जाता है। 12वें से आगे 13वें महीने का उन्होंने निर्माण किया और उसी महीने में हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया। इसीलिए इस मास को मल मास के रूप में जाना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस मास में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे तेल, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, काशीफल, राई, दाल, गुड़, तिल का तेल, दूषित भाव से पका हुआ अन्न, साग, भेड़, भैंस, बकरी, दूध का दूध और जल में होने वाले फल, बासी भोजन। अगर हो सके तो त्रयोदशी से पूर्णिमा तक इस महीने में व्रत करें और व्रत के बाद जिस वस्तु का आपने त्याग किया हो, इस महीने में हम किसी न किसी वस्तु का त्याग कर सकते हैं जिसका हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। आपने जिस भी वस्तु का त्याग किया हो उसका दान जरूर करें। अगर हो सके तो कुश की चटाई पर ही सोएं। कहा जाता है कि कुशा की जो चटाई होती है उस पर मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव जी का वास होता है। हो सके तो दिन में 1 या 2 घंटे का मौन भी धारण करें। और हमें इस महीने में ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, स्त्री, वेद, गौ आदि की निंदा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें और ना ही दिन में सोएं। इस महीने में शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किए जाते, जैसे कुआं खुदवाना, बावली, तालाब, बाग लगाना या देवताओं की स्थापना, नई बहू का आगमन, यज्ञ, विवाह, नामकरण, मकान बनवाना, नए वस्त्र आभूषण, बच्चे का मुंडन या किसी वाहन का लेना खरीदना। अगर हो सके तो इस मास में गंगा स्नान करें, पूजनीय सरोवरों में स्नान करें। कहने का मतलब है कि बहते हुए पानी में, जल में स्नान करें, पवित्र नदियों में स्नान करें और स्नान के बाद कुछ ना कुछ दान जरूर करें। कहा जाता है कि अगर जब आप स्नान करके निकलें उस समय गाय, गरीब या गौरैया इनका दर्शन हो जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये कहीं भी आपको दिखाई दे तो इन्हें कुछ ना कुछ दान जरूर करें। ये भी कहा जाता है कि अन्य मासों के मुकाबले इस मास में किया गया दान 10 गुना अधिक फलदायी होता है। अब आप क्या क्या दान कर सकते हैं? घी, कांसे का बर्तन, कच्चे चने, गुड़, तुअर दाल, लाल चंदन, कपूर, केसर, खाद्य पदार्थ, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, मालपुआ, खीर, दही, तिल, गुड़, गेहूं, चावल, दूध, शक्कर, शहद आदि का आप दान कर सकते हैं।